गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू क्लास सीनियर के जी स्टार्ट एज क्लास विथ जीके सब्जेक्ट। जीके सब्जेक्ट में हम बाई एयर मतलब के जो घूमने की जगह पे हम हवा में एंड पानी में जो जहाज से जाएंगे, अभी हम रोड पे जो वाहन चलता है उसका नाम लिखा था, अब हम लिखेंगे हवा में मतलब के स्काई पे जो चलता है वो हवा में। एरोप्लेन हमें कहीं दूर आउट ऑफ कंट्री जाना है तब हम किस वाहन का यूज करेंगे, एरोप्लेन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एरोप्लेन का नाम लिखेंगे AEROPLANE, एरोप्लेन AEROPLANE, एरोप्लेन एरोप्लेन। उसके बाद लिखेंगे हम कहीं जर्नी पे जाते हैं बड़ी वाली, तो हम एरोप्लेन में जाएंगे। और हेलीकॉप्टर हम वो भी कहाँ चलता है, हवा में। हेलीकॉप्टर HELICOPTER हेलीकॉप्टर, क्या हेलीकॉप्टर। एंड प्रच्युत मतलब कि PR जो हम हवा में जाते हैं और ऊपर जाना है हम अकेले के लिए, एंड हम हेलीकॉप्टर से कभी कुछ लेने के लिए कूदना है, कुछ प्रयोग करने के लिए कूदना है, तो हम वन हमारे पीछे ये वाला लगा देते हैं और हम जंप नीचे जंप लेते हैं तब ये खुल जाता है, तो हम गिरते नहीं है, हमारा सेफ्टी के लिए यही है। तो हम लिखेंगे PARACHUTE। उसके बाद हॉट एयर बलून मतलब के बलून बड़ा वाला होता है, उसमें हम दो तीन बैठने के लिए सीट होती है, दो तीन को बैठने के लिए कहीं ब्रिज पे है वहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे गांव में या नहीं होती, सिटी में बड़े वाली ब्रिज होती है वहाँ पे ये वाला होता है हॉट एयर बलून, जो उसमें हम दो तीन जन बैठ के ऊपर हवा में देखने के लिए हम जाते हैं, सारा दिखता है वहाँ पे, हम किस पे बैठ के जाते हैं, एयर बलून, हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून। उसके बाद रॉकेट जो स्काई पे जाता है, ROCKET, रॉकेट। रॉकेट ये वाला बाई एयर मतलब के हवा। अब उसके बाद है जो पानी में चलते हैं, पानी में चलते उसका नाम हम लिखेंगे बाई सी। सिप SHIP सिप। SHIP सिप जो पानी में, पानी होता है हमारा दरिया किनारा, मोटी सिप मतलब के होड़ी जो मोटी होती है वो।
कैन ओ, सी ए एन ओ ई, ए वाली पानी में छोटे छोटे हम जहाँ पे देखने के लिए जाते हैं हम अपन वहाँ पे बड़ा वाला डंडा होता है वो हिला के पानी को आगे करते वो बैठने के लिए, वन या टू जन ही बैठ सकते हैं। उसका नाम लिखेंगे सी ए एन ओ ई कैनो। उसके बाद है बॉट, उसमें भी हम पानी से करेंगे बी ओ ए टी बॉट। बी ओ ए टी बॉट राइट। जो पानी में चलता है ये भी दरिया किनारे पर, वाई ए सी एच टी वाई चट, वो पानी में चलता है। एंड ए वाला जो हम मैंने लिखवाया वो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी, एंड ए वाला पेज आपको होमवर्क करना है, जो जे कौन सा वाहन क्या है उसका नाम लिखना है, मैंने आगे लिखा है वो ही आपको अपना नाम लिखना है यहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपके पेज पे होमवर्क ए वाला टू टाइम करना है ए पेज। अभी आपके पास ये वाली टेक्स्ट बुक नहीं है, ये मेरी टेक्स्ट बुक में इसमें मैं आपको जीके का करवा रही हूँ इसलिए, एंड जो मैंने लिखवाया वो हो सेम होमवर्क टू टाइम लिखना है अपनी नोटबुक में, और ए वन जो मैंने सेंटेंस लिखा वो अपने पूरे लाइन में ही लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।